हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस एसआई पुलिस एएसआई के पदों पर सीधी भर्ती, 2020 का नोटिफिकेशन जारी, 1329 पदों पर होगा चयन। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पनोती बोर्ड लखनऊ ने पुलिस उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी पुलिस की ओर से अपनी वेबसाइट upppb.government.in पर 23 मार्च यानी मंगलवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के तहत कुल 1329 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। यूपी पुलिस में एसआई या एएसआई बनने के इच्छुक अभ्यर्थी 1 मई 2021 से यूपी पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसकी अंतिम तिथि 31 मई तक रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो कुल ₹400 आवेदन शुल्क रखा गया है। आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। पटना की सड़कों पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पाद, तेजस्वी व तेज प्रताप हिरासत में। जी हां, राजधानी पटना में मंगलवार को नए पुलिस कानून, बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, इसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोगों को चोटें आई है। पटना की सड़क पर भारी उपद्रव, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पिकअप वैन पर हेलमेट लगाकर चले थे। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने तेजस्वी तेज प्रताप समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अंतिम सूचना मिलने तक पुलिस ने तेजस्वी और तेज प्रताप समेत अन्य कार्यकर्ताओं को थाने ले जाया गया है। अगली बड़ी खबर, भारी हंगामे के बीच विधानसभा में पुलिस विधेयक पास, तेजस्वी ने सदन में फाड़ी विधेयक की प्रति विपक्ष का वॉकआउट। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भारी हंगामे के बीच बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पारित हो गया है। पुलिस विधेयक सदन में पास करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक की प्रति को फाड़ दिया है। तेजस्वी के साथ पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया है। विधानसभा में कई घंटों तक चले भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की गई। इस बार खुद विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा आसन पर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष के पहुंचने के बाद कार्यवाही शुरू की गई और विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को पारित किया गया। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के साथ पुलिस जवानों ने की सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष पर टूटी वर्दीधारी। जी हां, नीतीश कुमार के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के खिलाफ विधानसभा में हो रहे अभूतपूर्व हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पुलिस जवानों द्वारा हाथापाई किए जाने की खबर सामने आ रही है। सदन के अंदर तैनात किए गए बिहार के स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तेजस्वी यादव के साथ हाथापाई की है। बिहार विधानसभा में सदन के अंदर पुलिस के जवानों को तैनात कर सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान ये वाक्या हुआ है। बड़ी खबर, तेजस्वी के बाद अब कन्हैया भी देंगे नीतीश को चुनौती, किसानों के साथ बुधवार को विधानसभा का घेराव। जी हां, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मसले पर कल आरजेडी ने विधानसभा का घेराव किया। अब तेजस्वी के बाद कन्हैया भी नीतीश सरकार को चुनौती देंगे। कन्हैया कुमार किसान आंदोलन के समर्थन में अब बिहार के किसानों को गोल बंद करने में जुट गए हैं। 24 मार्च यानी आज बुधवार को कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। बिहार में किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए कन्हैया सोमवार को रोहतास पहुंचे हैं और वहां किसान महापंचायत में शामिल हुए। कन्हैया कुमार के साथ किसान महापंचायत में स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी मौजूद थे।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 45 से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से लगेगी वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सावधानी बरतने की बात लोगों से कही जा रही है। साथ ही सरकार के बनाए गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसे लेकर होली पर्व के बाद 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही 45 साल से अधिक उम्र वाले वैसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बड़ी खबर, टैक्स वसूली का मिशन मार्च, 25 से शुरू होगा वाहन चेकिंग अभियान। मार्च महीने में टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब एक बार फिर वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पटना ट्रैफिक पुलिस 25 मार्च से स्पेशल ड्राइव चलाएगी। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाकर बाइक पर पीछे बैठने वालों को जुर्माना भरना होगा। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग के साथ साथ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, गलत जगह पर पार्किंग करने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ट्रैफिक SP अमरकेश रेड्डी के मुताबिक 10 दिनों तक पटना में यह वाहन चलाया जाएगा। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग करने वालों के ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1,000 रुपये, बाइक के पीछे बैठे हेलमेट नहीं लगाने पर भी 1,000 रुपये और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाले कार चालकों को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 24 और 25 मार्च बिहार झारखंड में नक्सली बंद का ऐलान, NH से बॉर्डर तक हाई अलर्ट। जी हां, गया औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके डुमरिया थाना क्षेत्र के मोनवार गांव में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 4 खोखार नक्सलियों का बदला लेने के लिए भाकपा माओवादी संगठन की गतिविधियां अब बढ़ती हुई दिख रही है। इस घटना के विरोध में 24 और 25 मार्च को दक्षिण बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया है। इधर नक्सलियों के 48 घंटे के बंदी को लेकर औरंगाबाद में NH से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नक्सलियों की किसी भी कारगुजारियों व गतिविधियों को ध्वस्त करने के लिए कोबरा, CRPF, SSB, STF व जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया है। खासकर बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके में औरंगाबाद के अलावे पलामू पुलिस की पूरी तरह निगाह होगी। बड़ी खबर, नए सत्र में ढीली होगी जेब, बिहार में कॉपी किताब की कीमत में 15% तक हुई वृद्धि। जी हां, राज्य में शहर के विभिन्न स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार कॉपी किताबों की बड़ी कीमत अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ सकती है। कीमतों में 10-15% तक की बढ़ोतरी हुई है। शहर के नामी स्कूल की लिस्ट में शुमार होने वाले स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कॉपी किताब के सेट की कीमत 8,000-10,000 रुपये तक है। नए सत्र में प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसकी भी अभिभावकों को जानकारी नहीं है, फिर भी वे किताब खरीदने के लिए मजबूर है। गांव में अब घर बैठे ले अपने मुकदमे की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने किया बिहार में 3 ई-सेवा केंद्रों का उद्घाटन, ई फाइलिंग की सुविधा भी मिलेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट सहित 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि ई सेवा केंद्रों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैठे लोग भी अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही ई फाइलिंग की भी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी 3 केंद्रों की शुरुआत की गई है और राज्य के अन्य जिलों में भी जल्दी ही ऐसे ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ताकि सरल तरीके से लोगों को न्याय सुलभ हो सके। पटना हाईकोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और मसूरी पंचायत के लखनौर गांव में ई सेवा केंद्र की शुरुआत मंगलवार से हो गई है। शराब कारोबारियों पर हाईटेक तरीके से लगाम लगाएगी बिहार पुलिस, अब ड्रोन से खोजे जाएंगे धंधेबाज। जी हां, बिहार में शराब के धंधेबाज की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस के मद निषेध इकाई को शराब के धंधे पर नजर रखने के लिए कैमरे वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में भी इसकी मदद से शराब के निर्माण और बिक्री पर नजर रखी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की समिति ने ड्रोन खरीद की मंजूरी दे दी है। जल्द ही खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। मद निषेध के साथ साथ जिला पुलिस को भी ड्रोन मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है।
शराबबंदी के बावजूद चोरी छुपे इसका धंधा होता है। बिहार पुलिस के साथ मद निषेध इकाई शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 6 ड्रोन खरीदे जाएंगे। इसकी उड़ान क्षमता मिनिमम 45 मिनट की होगी और एक ड्रोन की अधिकतम कीमत 5 लाख रुपए तक की होगी। बिहार में RTS कानून में बदलाव, अब 10 दिनों में मिलेगा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र। जी हां, बिहार सरकार ने सेवा का अधिकतम अधिनियम कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बदलाव में इसके तहत आने वाली सेवाओं को और सुलभ बनाया गया है, साथ ही कई नए सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से CO की जगह जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जारी करेंगे। हालांकि 31 मार्च तक अंचल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। होली से पहले पटना वासियों को सीएम नीतीश देंगे सौगात, शुरू होगा आर ब्लॉक GPO फ्लाईओवर। जी हां, होली से पहले नीतीश सरकार की तरफ से पटना वासियों को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में शुरू हुए आर ब्लॉक चौराहे से GPO गोलंबर तक जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। यह फ्लाईओवर 104 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का हर किसी को लंबे समय से इंतजार है, इससे लोगों के समय की बचत होगी। 24 मार्च तक बिहार विधानसभा का सत्र चलना है और सत्र समाप्ति के अगले दिन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस फ्लाईओवर को 11 नवंबर 2018 तक तैयार हो जाना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 21 मार्च 2021 तय की गई थी। बड़ी खबर, CBSE ने दी छात्रों को सुविधा, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी बदल सकेंगे परीक्षा केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड ने इसका विकल्प दिया है। अगर परीक्षार्थी कोरोना से पीड़ित है या कोरोना के कारण अपने शहर में नहीं है तो प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षा का केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए स्कूल में 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। स्कूल द्वारा संबंधित छात्र का आवेदन 31 मार्च तक बोर्ड को भेजना होगा। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर छात्र अपने ही शहर में केंद्र बदलना चाहते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अगर परीक्षार्थी सैद्धांतिक व प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं के केंद्र बदलना चाहते हैं तो अलग अलग स्कूल में केंद्र दिया जाएगा। दूसरे देश के CBSE परीक्षार्थियों के लिए भी केंद्र बदलने का विकल्प दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में अब शहरों की तरह होगी गांव की भी सफाई, पंचायतों में रखे जाएंगे सफाई कर्मी। जी हां, नगर निकाय की तर्ज पर अब पंचायतों में भी सफाई कर्मियों को रखा जाएगा, जो वहां सड़कों गलियों की सफाई के साथ साथ मृत पशुओं का प्रबंधन करेंगे। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये सफाई कर्मी सफाई के अलावा मृत पशुओं के अपशिष्ट प्रबंधन का भी काम करेंगे। इसके लिए पशुपालन विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।